और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झालावाड़ से, जहां पर झालावाड़ एसीबी ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए एक एनएम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि झालावाड़ एसीबी की टीम लगातार एनएम पर नजर रखी हुई थी। परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर लगातार एनएम को ट्रैप किया जा रहा था, और आज बड़ा खुलासा करते हुए एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों एनएम का गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। संगीता राठौर एएनएम ग्राम पंचायत रावण गुड़ारी तहसील गंगदार जिला झालावाड़ की रहने वाली है, जो लगातार जो है 40,000 रुपये की रिश्वत परिवादी से मांग कर रही थी। उसी के चलते आज एसीबी झालावाड़ की टीम ने एएनएम संगीता को 40,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सर क्या मामला था, आज जो कार्रवाई करेंगे? हमारे पास में परिवादी है, शकुंतला मेहर है, वो मतलब आशाबी का काम करती है। उसने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि जो संगीता राठौड़ है एएनएम, वो उसका 4-5 महीने का जो मानदेय है वो उसका बकाया चल रहा है, उस पर अटेंडेंस पे सिग्नेचर नहीं कर रही, और उसका रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए और उसका क्लेम का पैसा ऑनलाइन जो डिपॉजिट होता है उसके लिए वो 60,000 रुपये रिश्वत मांग रही है। उसका हमने वेरीफिकेशन किया 4 तारीख को परसों, और वेरीफिकेशन में 60,000 रुपये मांगे, और इसने कहा कि अभी मेरे पास 60,000 रुपये नहीं, 40,000 रुपये है, 20,000 रुपये आपको बाद में दे दूँगी। तो 40,000 रुपये लेकर के आज रिश्वत लेते हुए इस क्यूटे को रंगे हाथों हमने पकड़ा है। इसने रिश्वत राशि उससे ग्रहण करने के बाद में बीच वाला जो कमरा है उसमें हॉल में जो वो रखा हुआ था लकड़ी का, उसके ऊपर लिखा है ऊपर रख दी, जहाँ से हमने 40,000 रुपये रिश्वत राशि बराबर कर ली है। उससे पूछताछ करें, अभी घर की तलाशी भी लेंगे और वो गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें और भी खुलासा होंगे सर? और तो अभी तो इसमें अभी FIR दर्ज करेंगे, उसके दौरान जो भी जो मुख्यालय जो है उसमें फैक्ट्स होंगे वो मेंशन करेंगे, जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में बाद में वो जांच में सामने आए। थैंक यू।